गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन है कॉस वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से। और इस लेसन से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें जो चीजें हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ दे रखी है हमें सेल्स की 2500 यूनिट्स पे 5000 का लॉस होता है और 3500 यूनिट्स पे 5000 का प्रॉफिट होता है। और नीचे हमें कैलकुलेट करना है वो है फिक्स कॉस्ट बीईपी और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ 5000 यूनिट्स, यानी 5000 यूनिट्स पे लाभ और हानि इसमें जो पूछी गई है। और इसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30000, यानी 30000 के लाभ पे जो यूनिट्स कितनी बेची जाएगी ये और चीज पूछी। सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹50 पर यूनिट है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम बाकी चीजों को सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो हमें सबसे पहले चाहिए पीवी रेशियो, इन सभी चीजों को निकालने के लिए, तो पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और इसमें जो फॉर्मूला यूज लेंगे हम वो कुछ इस तरीके से होगा, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स, ये पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला इनटू सो। तो चेंज इन प्रॉफिट तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन चेंज इन सेल्स, सेल्स ये यूनिट्स में दे रखी है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेल्स को यूनिट से हटाकर इनको इन वैल्यू में लेना है, रुपए में लेना है। तो 2500 यूनिट्स है तो ऊपर दे रखिए 2500 यूनिट्स और नीचे 3500, गुणा करेंगे इसको ₹50 से तो ये आएगा 125000 और ये हो जाएगा 165000। तो ये इस तरीके से जो आंकड़े इसके जो आ जाते हैं, तो ये आएगा यहाँ 175000 हो जाएंगे, 525 और 15 और 2 17, ठीक है, ये 175000 यूनिट्स है जो रुपीज है ये इधर, और ये है 2500 यूनिट्स पे तो इतना सेल होगा, 3500 पे इतना हो जाएगा प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है इस फॉर्मूले पे आते हैं, इस फॉर्मूले पे आते हैं तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट, तो 2500 यूनिट्स पे जो प्रॉफिट दिया गया था वो है 5000 का लॉस और 3500 पे 5000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आगे वाले 35 वाले इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 5000 माइनस, यानी इसको घटाना है, ये ऑलरेडी माइनस का ही है, अपॉन 175 में से, यानी इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 175000 माइनस 125000, तो ये माइनस माइनस आपस में गुणा हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 10000, 175 में से 125 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 50000 इंटू 100। तो ये इस तरीके से आता है 20%। तो पीवी रेशियो है जो इसमें 20% निकलता है, और पीवी रेशियो हम यहां लिख देते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा, 20% इसको यहां हमने एक बार लिख दिया है। अब हमें दूसरी चीज जो निकालनी है, ये जो चीजें निकालनी है ये चाहिए, इसमें आप देख रहे हैं कि बीपी, बीपी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट और हमें निकालनी है और यहाँ लिख भी रखा है वैसे फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट ही निकालते हैं इसके बाद हम। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से,
फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो एफसी इनमें से कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं, किसी भी, जैसे मान लो ये दो अलग अलग आंकड़े दे रखे हैं अलग अलग समय के हैं, एक समय में 2500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग जो प्रोडक्शन है, और एक समय में है जो 3500 यूनिट्स का है। तो 3500 वाले को लेते हैं जिसमें नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसकी सेल हमने अभी थोड़ी देर निकाली थी, थोड़ी देर पहले, वो थी 1,75,000 3500 वाले की, इंटू पीवी रेशियो 20% है हमारा, और प्रॉफिट है इसका है जो 5000 रुपए है। तो इसका पीवी रेशियो निकालते हैं 20%, तो ये आएगा 20% इसका निकालेंगे तो 35000 इसका है जो पीवी रेशियो आ जाएगा। ये 20% है जो माइनस 5000, तो यहाँ आएगा फिक्स कॉस्ट 30000 आ जाएगी। तो इस तरीके से एफसी है, फिक्स कॉस्ट 30 है, तो ये भी हमने जो निकाल ली है। अब हमें जो चीज निकालनी है वो है बीपी। बीपी का जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे वो है एफ बटे पीवी रेशियो। एफ का मतलब यहां फिक्स कॉस्ट से है, तो फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली थी अभी 30,000, और पीवी रेशियो है जो 20% है, परसेंट है इसलिए ऊपर गुणा में 100 करेंगे, इसको परसेंट को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1,50,000। बीपी है जो 1,50,000 है, तो इस तरीके से बीपी आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दे रखा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000, यानी 30,000 के लाभ के लिए ये यूनिट कितनी बेची जाएगी। इससे पहले ऊपर वाला है ये निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स के लिए लाभ निकालना है कि 5000 यूनिट्स यदि बेची जाती है तो लाभ क्या होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, प्रॉफिट यानी पी का मतलब प्रॉफिट है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी यानी फिक्स कॉस्ट है। सेल्स यूनिट्स तो 5000 दे रखी है, तो ये 5000 है यूनिट्स, 50 रुपए रेट है, तो ये आ जाएगी 2,50,000 सेल है जो 2,50,000 इंटू पीवी रेशियो इसका 20% आया था, और फिक्स कॉस्ट हमारी है 30,000, तो ये आ जाएगा यहाँ 50,000 20% इसका माइनस 30,000, ये आ जाएगा यहाँ 20,000। तो 5,000 यूनिट्स यदि बेची जाती है तो प्रॉफिट है जो हमारा कितना होता है 20,000 का होता है। तो ये चीज आ गई। इसके बाद में जो चीज निकालनी है वो है 30,000 के लाभ के लिए कितनी इकाइयां बेची जानी चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज लेंगे इसको बोलते हैं डीएस, डिजायर सेल्स, ये डीएस है डिजायर सेल्स लेकिन इन यूनिट्स है, एफ प्लस पीडी यानी डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है लेकिन डिजायर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, सॉरी ये डिजायर प्रॉफिट भी है फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन जो पीवी रेशियो है इसकी जगह जो इसका फॉर्मूला हम यूज लेंगे वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, तो ये चीज निकालनी होगी। ये इन वैल्यू का है डीएस का, लेकिन जब आप इन यूनिट्स में पूछा गया है तो यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें सेलिंग प्राइस तो दे रखा है 50 रुपए,
तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में जो सेल्स में से घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा सेल्स इंटू वन माइनस पीवी रेशियो। तो सेल्स यूनिट्स ये सेलिंग प्राइस लिखना है, एसपी लिखना है सेलिंग प्राइस, ये 50 रुपया है। वन माइनस पीवी रेशियो हमारा था वो था 20%। तो 20% एक का ही निकालना हो तो हमें, तो ये आ जाएगा 50, वन माइनस इसको 0.20 करेंगे क्योंकि 20% से एक का ही निकालना है वन माइनस में, तो ये आएगा फिर 50 × 0.80, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आता है 40। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, वीसी हमारी जो आएगी 40 रुपये। सी का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी यानी कंट्रीब्यूशन। तो 50 − 40 = 10, तो कंट्रीब्यूशन हमारा है जो 10 रुपये आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ प्लस पीडी यानी फिक्स कॉस्ट है 30,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट भी 30,000 ही है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जो 10 रुपये है। तो इस तरीके से ये आएगा 60,000 / 10, तो ये आएगा 6,000 यूनिट्स। तो 30,000 के लाभ के लिए हमें कितनी सेल की आवश्यकता होगी, वो होगी 6,000 यूनिट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।